अन्नदाताको खुसी देले केन्द्र सरकार सीधा अकाउंट को पठाइले 19,000 कोटी टंका। देशर 9.5 कोटी कृषकों बैंक खाता को गला पीएम किसान योजनार अष्टम किस्ती। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जोगे चाषी अकाउंट को सीधा सड़क टंका पठाई। समग्र भारतवर्ष 9.5 कोटी चाषी खाता को 19,000 कोटी टंका बैंक खाता रे प्रदान करा जाई छी। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि से विशेष रूप से छोटे और मझोले किसानों को अधिक लाभ हो रहा है। आज के कठिन समय में ये राशि इन किसान परिवारों के बहुत काम आ रही है। अभी तक इस योजना के तहत देश के लगभग 11 करोड़ किसानों के पास लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। मतलब कि 1,25,000 करोड़ से भी ज्यादा सीधे किसानों के खाते में, कोई बिचौलिया नहीं। इनमें से सिर्फ कोरोना काल में ही 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचे हैं। जरूरत के समय देशवासियों तक सीधी मदद पहुंचे, तेजी से पहुंचे, जिसको जरूरत है उस तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे, यही सरकार का निरंतर प्रयास है। यह सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशर किसी कृषकों सह संवाद मध्य करिसेंति। एही अवसर रे वर्चुअल जोगे शामिल होइतिले केन्द्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमार, केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, प्रताप षडंगी प्रमुख। पीएम किसान योजना रे योग्य कृषकों को वर्षक 6,000 टंका प्रदान करा जाउछि। प्रति 4 मास रे गोटिए किस्ती हिसाब रे मोट 3टी किस्ती रे एही 6,000 टंका दिया जाउछि। प्रत्येक किस्ती रे 2,000 टंका दिया जाउछि। एही योजना रे एबे सुधा मोट 1,15,000 कोटी टंका दिया जाई सारिलानी। 58,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात ये कि अब किसान जो उपज मंडी में बेच रहा है उसको आप अपने पैसे के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता, परेशान नहीं होना पड़ता। किसान के हक का पैसा सीधा उसके बैंक खाते में जमा हो रहा है। मुझे संतोष है कि पंजाब और हरियाणा के लाखों किसान पहली बार डायरेक्ट ट्रांसफर की इस सुविधा से जुड़े हैं। अभी तक पंजाब के किसानों के बैंक खाते में करीब 18,000 करोड़ रुपए और हरियाणा के किसानों के बैंक खाते में 9,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा हो चुके हैं। सेपटे यही कार्यक्रम रे कृषि मंत्री को सहित किसी राज्य मुख्यमंत्री और अनेक सांसद मध्य उपस्थित रही थे। प्रधानमंत्री किसी कृषकों सहित आलोचना करी आगु को केमिति कोरोना महामारी सहित से मुकाबला करेंगे से नहीं कि ए अर्थ केमिति सहायक हम से कथा मध्य कहते। यहाँ प्रधानमंत्री कृषकों ईद एवं अक्षय तृतीयार शुभकामना मध्य जणाइथिले। भाई और बहनों, तेजी से सीधे किसानों तक लाभ पहुंचाने का काम उपज की सरकारी खरीद में भी बहुत व्यापक स्केल पर किया जा रहा है। कोरोना की मुश्किल चुनौतियों के बीच जहां किसानों ने कृषि और बागवानी में रिकॉर्ड उत्पादन किया है, वहीं सरकार भी हर साल एमएसपी पर खरीद के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। पहले धान की और अब गेहूं की भी रिकॉर्ड खरीदी हो रही है। इस वर्ष अभी तक बीते वर्ष की तुलना में लगभग 10% अधिक गेहूं
एमएसपी पर खरीदा जा चुका है। तबे 2019 फरवरी 24 तारीख रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश रो गोरखपुर रे ई योजना रो आरंभ करथिले, जहां वर्तमान सफलता रो सह चासिंकू सेमानक हक रो अर्थ जगाई आसुची। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।